लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उन बातों की स्टडी करते हैं जो फिजिकली हम देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, ये सब चीजें, सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन प्रॉपर्टीज की स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस अबाउट अल्केन्स इज फिजिकल स्टेट। देखिए, सबसे पहली बात ये हमें समझ लेना है कि अल्केन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। सो दीज आर कलरलेस, इनको कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, उनको कोई टेस्ट भी नहीं होता। अब पहले जो चार मेंबर्स है, फर्स्ट फोर मेंबर्स, यानी जिनके पास चार तक के कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, आर गैसेस, याद रखना। सो फर्स्ट फोर मेंबर्स, फर्स्ट फोर मेंबर्स यानी जिनके पास C1 2 C4, यानी एक से लेके चार कार्बन तक के मेंबर्स गैसेस है, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद अगले 13 मेंबर्स, यानी कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17, वो लिक्विड्स होते हैं, याद रखना। सो अल्केन्स विथ कार्बन एटम्स, विथ कार्बन एटम्स C5 टू C17 आर कलरलेस लिक्विड्स, आर कलरलेस लिक्विड्स, यानी इनका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड। और हायर जो मेंबर्स है, यानी अल्केन्स हैविंग कार्बन एटम्स ग्रेटर देन 17 आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। सो हायर अल्केन्स दैट इज हैविंग कार्बन एटम्स मोर देन 17 आर वैक्सी सॉलिड्स, वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, इसका मतलब ये होता है कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। दूसरी बात, होमोलॉगस सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। सो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। सो डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो भी बढ़ते जाएगी, यानी लोअर मेंबर्स की डेंसिटी कम होगी और हायर मेंबर्स की डेंसिटी ज्यादा। अब बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी का ऐसा है, हमें समझ लेना चाहिए कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, यानी एक जैसे सोल्यूट्स एक जैसे सॉल्वेंट्स में रेडिली डिजॉल्व करेंगे। अल्केन्स हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोफोबिक है, इसलिए दीज आर इनसोल्यूबल इन वॉटर। सो सबसे पहली बात, अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वॉटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। अब सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास, यानी जो लोअर मेंबर्स होंगे उनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी और जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी कम होते जाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस
solubility decreases with increase in molar mass. जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटते जाएगी. अब इसके बाद अगला पड़ाव बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहली बात ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, यानी जितना मेंबर बड़ा होगा यानी उसमें कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना मोलर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा क्योंकि मोलर मास भी ज्यादा होगा. सो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास. जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा. दूसरी बात, स्ट्रक्चर के अंदर अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रिकॉर्ड होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, यानी कि अगर स्ट्रक्चर ब्रांच्ड हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम रिकॉर्ड होता है. बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला पड़ाव मेल्टिंग पॉइंट. देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड लगभग एक जैसे होते हैं, यानी जो बड़ा मेंबर होगा जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रिकॉर्ड होता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, सॉरी इंक्रीज इन मोलर मास, इंक्रीज इन मोलर मास, यानी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा. दूसरी बात, ऐसा अल्केन जिसके पास इवन नंबर कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरे अल्केन से जिनके पास ऑड नंबर कार्बन हो ज्यादा रिकॉर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल पेंटेन और ब्यूटेन दोनों के बीच अगर हम कंपेयर करें, या फिर पेंटेन हेक्सेन और हेप्टेन के बीच अगर कंपेयर करें तो हेक्सेन में 6 कार्बन है लेकिन इवन नंबर कार्बन है, हेप्टेन भले ही 7 कार्बन है लेकिन वो ऑड नंबर है. तो हेप्टेन के मुकाबले हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड होता है. इसके पीछे का कारण इफिशियंट एंड इफेक्टिव पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर पैकिंग इफेक्टिव होता है. मॉलिक्यूलर पैकिंग इफेक्टिव होने के वजह से मेल्टिंग पॉइंट उन अल्केन्स का ज्यादा होता है जिनके पास इवन नंबर कार्बन हो. सो हम लोग बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ग्रेटर देन द अल्केन्स, ग्रेटर देन द अल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब इसके पीछे का कारण कौन सा, ड्यू टू इफेक्टिव पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग अल्केन्स, कंटेनिंग अल्केन्स शो इफेक्टिव पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स दस कंटेन हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स.